सेनापति हो गए हैं। हाँ, हमारे भैया जी इन्हीं के साथ जाइए, आप लिखा पली काम, यानी मुंशी गिरी का। मुंशी गिरी गोलियां कहती है, मिल गई नौकरी हमको मुंशी गिरी, सरकार चल रहे हैं। ठहरो ठहरो, रूप सिंह हम तुम्हें कुछ काम सौंपना चाहते हैं, कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। जल्दी बताइए। भूतपूर्व काल पहले की बात है, यहाँ पर सेनापति निर्भय सिंह रहते थे। हाँ, महाराज विक्रम सिंह ने उन्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया था, जिस नक्शे की तुम्हें तलाश करना है, खोज करना है। ढूंढ निकालेंगे। हाँ, उसे ढूंढ कर खोद के नहीं लाना है, खोज करके लाना है, यानी पता लगाना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे हमें खोज के निकालना पड़े या खोजना पड़े। नक्शे की जिम्मेदारी आज से हमारे ऊपर। विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा भूतपूर्व सेनापति निर्भय सिंह, जिनके हाथों में महाराज विक्रम सिंह ने सौंपा था, लेकिन आज वो नक्शा गुम है, पता ही नहीं है उसको लाना है। लाएंगे। हुजूर, आपने हमें नौकरी दी है, वो भी सेनापति की। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है कि मैं वफादारी से काम आपके आऊं। चलो, इसलिए इजाजत दीजिए, बहुत जल्द विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा आपके हाथों में होगा। सुबह 10 बजे से आकर ड्यूटी दे। हरिलाल, एक चीज हमें यह नहीं समझ में आवा, ये दोनों यही मुहर दिखाई, एक मतलब दोनों पढ़े नहीं कहा हो, जब पढ़े नहीं ना नक्शा कहाँ ला के। लेकिन रूप सिंह तो बोल रहा था कि पढ़े लिखे हम, यानी बहुत पढ़ा लिखा हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिली। नक्शा ला के देगा, वैसे बातों से लगता है कि पढ़ा लिखा नक्शा ला नौजवान लगता है ये। चलो, लेकिन क्या अगर जब खजाने का नक्शा लाकर हमारे हाथ में रखेगा तो हम माला माल हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक साले हुक्का का नक्शा मिली, नक्शे के चक्कर में हम खुदे हैं, नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी की। मेरे साथियों, जैसे चाहते हो अपने सरदार जी को आने का वक्त हो गया है, और सरदार जी के नाम है डाकू बागी सूर्य सिंह। क्या लग जाइए, साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। साथियों, चाहे ये धरा पलटे, चाहे ये धरा पलटे और या गगन पलटे, सौदागर मंद पर जाए दिवाकर आग बरसाए, और चाहे ये धरा गगन पे छाए और या गगन धरा पे छाए, कसम ब्रह्मांड के लिए अपनी जगह से लड़खड़ा न जाए। और संभव है जो दुनिया में वो असंभव हो नहीं सकता। दुर्गा सिंह मेरे हाथों से अब बच जाए, ये संभव हो नहीं सकता। क्यों इस राम जाने की वजह से एक सीधा साधा इंसान, एक राज का रक्षक आज देखो एक डाकू बन गया है। हाँ,
और बनाने वाला कौन है? कौन है? ये दुर्गा सिंह और महारानी निर्मला। और जब तक इन दोनों को मिटा नहीं दूंगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? इसीलिए बिजली और हसीना और छोटू कहिए सरदार जी, ये तुम्हारा सरदार तुम सबों से कुछ बताना चाहता है। बताइए सरदार जी। सुनो साथियों, और इस घाटी दल में ये निर्भय से सूर्या बना और इस घाटी दल में यमानो चल चलो आप विक्रम कर कर दरमियान जनाना तह सद खाना होगा हाँ और होकर लीडर एक साथ साथ अब गोली चलाना होगा। ये अगर चल गया वार मेरा तो जी वो बदला चुकाना होगा। अगर चल गया बाहर मेरा तो बदला चुकाना होगा। सासदार जी और दुर्गा दुर्गा सिंह को मौत के घाट भाई आज सुलाना होगा। और सभी हथियार उठाओ जी। इसीलिए आज हमें कहां चलना है? कहां चलना है? विक्रमगढ़ राज, विक्रमगढ़ जो आज महाराज बन गया है दुर्गा सिंह, दुर्गा कातिल हरामजादा रातद्रोही आज महाराज बन बैठा है। हाँ जी। पूरी होशियारी के साथ चलना है। क्यों नहीं सरदार जी? पूरी ताकत के साथ, ताकत के साथ ये लेते हैं उसके राजमहल को। हाँ सरदार जी। और दुर्गा सिंह को मौत के घाट उतार देते हैं। घाट उतारना है। इसीलिए निकालो घोड़े, घोड़े ले लो बंदूकें, बंदूकें गोलियां, गोलियां तलवारें, तलवारें लाइट मशीन गन और टोटो सिंह साथ में हाथ बोले बोलो जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। बिहारी लाल जी उस दिन जो हाँ रूपमती को जेल से लाकर कहां पर डाला था? ओ महाराज की छोटी बेटी, छोटी बेटी जो चार नंबर कमरे में बंद है, चार नंबर कमरे में जी। जाओ सब वहां से लेकर आओ। हाँ आज उससे हम दो दो बातें करेंगे। ये बात है आई या
क्या हसीन लौंगिया है। भगवान ने इस रूपमती को चुन चुन कर बनाया है।